और यह नियम सार में हमने लिखा है परिचत्ता पर खावम अपवान धावी निर्मल सहावम अप वसोसो हो दिहु तस्तु कम्मं भणंतिया। जो छोड़ कर अर्धाव धावे शुद्ध निर्मल आत्मवे वह आत्म बस है श्रमण है आवश्यक कर्म होता उसे। वास्तव में आवश्यक कर्म किसकी जीवन में है, कौन सुखी है, कौन आनंदित है, उसके लिए कहा है कि जो पर भावों को छोड़ करके निर्मल स्वभाव वाले आत्मा में रहता है, आत्मवस होता है, वही आत्मवस है और वही ही आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में व्यवहार छह आवश्यकों की जितनी महिमा है उससे बहुत ज्यादा महिमा है निश्चय आवश्यक। और निश्चय आवश्यक का कोई भेद नहीं है, निश्चय आवश्यक यही है कि वह साधक अपने स्वरूप के ही बस में रहे, किसी और के बस में न रहे। जब तक कोई पर बस में रहता है दुखी ही रहता है। हाथी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा हाथी जंगल में बहुत आराम से टहनियां खाता होगा, पत्ते खाता होगा, फल खाता होगा, मस्त रहता है। जैसी प्रवृत्ति करना है वैसी करता है, जहां घूमना वहां घूमता है और अपने हाथियों के वंश में कुल में खुश रहता। लेकिन कभी इतना बड़ा हाथी भी किसी के द्वारा पकड़ लिया जाए, महापत्रों के द्वारा पकड़ा जाए, राजाओं के द्वारा बंदी बनवा लिया जाए तो क्या हाल होता है उसका, कैसी परवस्था महसूस करता है, कैसा दीन हो जाता है, कैसा दुखी होता है। वो जिसमें वो भरत चक्रवर्ती का जीव लोग मंडल हाथी को संबोधित करता है, वो हाथी जंगल से पकड़ के लाया गया है, लेकिन भरत चक्रवर्ती के स्नेह बस और उसकी अपनी सुंदरता, उसका पुण्य के बस उसको सब सुख सुविधा मिल रही। लेकिन एक समय उसे विशेष जाति स्मरण हो गया, उसे जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण मतलब क्या, पिछले जन्म की याद आना और आ सकती है याद, पिछले जन्म की भी याद आ सकती है। हमने इतना पहले इस जन्म का इकट्ठा कर लिया है आवरण कि हम पिछले जन्म तो जन्म के पिछले सालों में याद ठीक से नहीं कर पाते। कभी कभी तो अपनी जन्म तारीख ही भूल जाते हैं और कभी कभी पांच का, सात का, नौ का, तेरह का, चौदह को सोचना तो पड़ेगा थोड़ा सा। इसी समय की इसी जन्म की बातें हमें सोचना पड़ती है, सोच थोड़ी बहुत याद आती है, ठीक है। वो पूरे चतुर्मास का पूरा ब्यौरा बताओ साहब, कितना सोच के बताओ, घंटे भर से ज्यादा नहीं बोल पाओगे। 120 दिन को एक घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में समाप्त करना तो क्या है। ऐसी तो अपनी ज्ञान की स्थिति है, तो अपने को जब किस्मत है पिछली बातें यही की नहीं आती रहती है, पिछले जन्म की बात भूल। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो जाति स्मरण हो सकता है, पिछले भाव की बात याद आ सकती है। कहते हैं पहले समय में मुनिराज यही करते थे कि कोई साधक यदि इस मार्ग में बढ़ना चाहता है तो उसे जाति स्मरण दिलाते थे, उसे जाति स्मरण आ जाए, ऐसे कोई कला सिखाते थे ताकि उसका वैराग्य पक्का हो, परिपक्व हो। दूसरी बात, यदि वो जाति स्मरण पूर्वक वैरागी नहीं बना है और वैराग के बाद कोई उसके चित्त पर दुर्घटना घट रही तो फिर उसको भूत और भविष्य का अवधि ज्ञान के माध्यम से विश्लेषण करते, जैसे मेघ कुमार की बात आ रहा है, चाणक्य के पुत्र मेघ कुमार। मेघ कुमार ने दीक्षा तो ले ली महावीर स्वामी की वाणी से प्रभावित होकर के, लेकिन उसने देखा कि पहले तो सब साधु जन मेरा आदर करते थे,
मुझे राजकुमार फोन करके बुला रहे थे, बड़ी प्रेम प्रीति से बात करते थे, लेकिन अब सबसे आखिरी में बैठना पड़ता है, सबसे आखिरी में देखना पड़ता है, सबसे आखिरी में विश्राम करना पड़ता है, उसमें किसी का पांव लगता है, किसी का धक्का लगता है और ऐसा जीवन याद होता है। मैं वही राजा और राजकुमार का जीवन ही मेरा बढ़िया, इस जीवन में तो मेरा और अपमान हो गया। ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसी विचलता आती है, ऐसे निमित्त बनते हैं कि लगता है इससे अच्छे तो मुझे हम पहले ही थी है? कोई कोई त्यागी से आपने सुना होगा बोले इससे अच्छे तो हम घर में थे, इससे अच्छे अगर तुम घर में थे, इससे अच्छे घर में होते होते इतन करने से क्या नहीं क्यों घर छोड़ो, मतलब इससे अच्छे तो घर में नहीं होते। एक अगर हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बन गई, कुछ परिस्थितियां बन गई, कुछ विकल्प पड़ गए, इसको मैं बात में लगा इससे अच्छे घर में। इस लायक आपने अपने को बना नहीं पाया है कि जहां पर आ गए हैं आप वहां की लायक, वहां का आनंद ले सकते, अथवा वैसे आपकी दृढ़ता वैसा आपका धैर्य नहीं बन पाया है, अथवा निमित्त आदि कुछ ज्यादा ऐसे मिल गए हैं कि आप अपने को नहीं साध पा रहे। बाकी इससे अच्छा वहां था, ये तो समझ लो कि मोक्ष मार्ग पर दोष लगाना है। क्यों? क्योंकि अनेक अनेक मुनिराज इसी की साधना करके उससे हुए हैं, इससे अच्छा उनको लग रहा होता तो त्यागी क्यों करते। इसलिए कभी भी इससे अच्छा तो ग्रस्तों का जीवन, इससे अच्छा तो घर में था, इससे अच्छा तो वगैरह हम अकेले ही अच्छे थे, इससे अच्छा तो जब हमने अगर चतुर्मास किया था तो हम अच्छे थे, इससे अच्छा तो जब हम अकेले कमरे जाते। अपनी कल्पना वो शाश्वत बात नहीं, अगर आप बहुत प्रबुद्ध हैं तो 10-20 जनों के बीच में भी बहुत अच्छा महसूस कर सकते। आप बहुत सक्षम और दृढ़ वाले हैं तो आपके ऊपर उपसर्ग करने से आएंगे तो भी आपको उसमें अरुचि नहीं होगी, मार्ग लड़का और उनको ये भर गया कि इससे अच्छा तो मैं राजकुमार ही थी। और थोड़ा सा मन में विचार आया कि सुबह होते ही जो है कौन रुकने वाला है, जब तक चित्त में साधना की भाव है, कोई अच्छे साधक आपके मित्र सहयोगी है, तब तक दृढ़ता वगैरह बनने की सहायता नहीं। लेकिन कभी एकाकी पड़ गए, बहुत ज्यादा कसाया हो गए तो फिर वाला है, चारित्र मोह का तीव्र उदय हो तो कौन तुम्हारा मान पकड़ने वाला है, साधक बंधु गुरु जन। लेकिन अगर उनसे भी तुमने बैर और डांटे बांध ली, फिर बहुत दूरी बना ली, फिर क्यों? ऐसा संभव है, कभी कभी ऐसा तीव्र उदय संभव है, कभी कदाचित। जैसे अपन गुण श्रेणी निरंतर पढ़ रहे थे ना, ऐसे ऐसे कभी गुण क्रम से और तीव्र उदय का विभाग भी संभव है। ये संघ समझ लो, चतुर्विध संघ समझ लो कि आपकी सेक्रेटरी निर्मलता में सहायक। लेकिन अगर हमने कुछ विकल्प कुछ खड़े किए या उसमें राग द्वेष किया या अच्छा बुरे का गणित लगाया तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती। जब वहां भी स्वामी के ज्ञान में ये विषय आया तो सर्वज्ञ है, जब गौतम स्वामी के ज्ञान में ये विषय आया तो उन्होंने संबोधित किया क्या, हे वेद कुमार तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना, अभी तो ये भूल ही गए थे कि गुरु कितने ज्ञानी कि हमारी बात मन की बात उनको मालूम पड़ गई होगी। अब ख्याल आया कि ओ गया, फिर उनने संबोधित किया कि तू एक ही जन्म की बात सोचता है, पिछले जन्म में जो तप किया था, जो साधना की थी, जो निर्मलता धारण की थी, उसका फल है कि तू इस भाव में तू परवश हुआ जा रहा था,
इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया और मेरा ऐसा अपमान हुआ और तू क्रोध के बस मान के बस में जा रहा है। पिछले बस भाव में तुम स्वावश होके महान साधना की, पिछले भाव में और उसके पिछले भाव में तू जंगल में भयंकर आदि पर्याय बदलती रहती है ज्ञानी। एक मनुष्य पर्याय मिली है इसका सदुपयोग हो गया तो हो गया, वरना ऐसे चिड़िया कौवा बनोगी पशु पंछी बनना पड़ेगा, कौन किस हिसाब से कल्याण कर पाएगा। समझाया पिछले तीसरे भाव में तो हाथी था, खूंखार हाथी था, लेकिन एक बार जंगल में आग लगती, जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया की बात तो सबको मालूम है ना, हैं? कितने जीव जल गए, करोड़ों करोड़ों यूं देख रहे हैं, यूं जा रहे हैं, बंदर हैं, भालू हैं, वहां की जानवरों की प्रजातियां हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ ऐसे भागी जा रहे हैं कि सामने आ रही है तो ही भी भागे जा रहे हैं। ऐसे बड़ा जो दावा न लगता है, बड़वा न लगता है, किसी को नहीं बचता। तो ऐसी आग लगी दावानल, सब पशु जल गए और तुम भी जल के मर गए, तुम्हारा कोई अहंकार कोई शक्ति कोई भी काम नहीं आई, कोई काम नहीं आती है। बड़े से बड़े नेता हो के अभिनेता हो, और ये कोरोना का एक वायरस लग गया ना, तो कोई शक्ति काम नहीं करती, संसार में कोई श्रम नहीं है। ये परमेश जी भगवान निज भगवान आत्मा, फिर क्या होगा करो। उस भाव में ऐसे अकाल मरण करके भी जंगल का मोह पर्याय का मोह ऐसे रहा कि फिर से उसी जंगल में हाथी के रूप में जन्म क्षेत्र तो का मोह नहीं छूटता है। एक कुत्ते जो होते हैं उनको भी क्षेत्र का बहुत मोह होता है, जानवरों को भी मनुष्यों को भी अपना क्षेत्र का मोह नहीं छोड़ता है, बार बार उसी में पैदा होंगे। ऐसे संस्कार का भी तो सब निर्भर करता है, कर्म ऐसे तो बनते। तो फिर उसको संबोधित किया, पिछले भाव में फिर से शक्ति संपन्न था, बड़ा अहंकारी था, फिर भी वैसे ही था, तो भी इतना जरूर विवेक आ गया कि तूने पिछले दुखों के कारण तो यार सारे संस्कार की एक ऐसी जमीन साफ सुथरी करके रख ली जहां से झाड़ झंकार उखाड़ लिए कि कभी कोई आग वगैरह नहीं लगे, आंधी लगे तो वहां जाकर सुरक्षित खड़ा रह सके। फिर ऐसा हुआ कि सच में आग लग गई और सब जानवर भाग के भागे, जब ने देखा कि जंगल में जगह सुरक्षित है, यहाँ आग नहीं आ पाएगी, यहाँ लग में नहीं आएंगे, जंगल के ढेर सारे जानवर वहां पर। तो भी भागते भागते जब वहां पहुंचा तो देखा कि पहले ढेर जानवर है, छोटे बड़े सब तरह के जानवरों को देख करके उनका दुख देख करके तेरे मन में दया आती, तुझे देख करके डर के मारे को सब कांपने लगे कि अभी मुझे मारेगा कुचल डालेगा, हम कहां जाएंगे मर जाएंगे। तो उनका दुख देख करके तू बहुत सावधानी से एक तरफ खड़ा हो गया, जहां आग ना और जानवर आते गए तेरी तरफ देख करके फिरे सहज चेहरे को देखकर जिसमें अहंकार नहीं था, क्रोध नहीं था, तो तुझे दयालु समझ करके सब आस पास भी खड़े होने लगे। और यहाँ तक
छोटा सा खरगोश आकर के उस जगह पर भी बैठ गया, उसको पता ही नहीं कि ऊपर क्या। नीचे जब पांव रखने के लिए तुमने लिखा तो नया हवा तो पांव नहीं रखना कि मैं पांव रखूंगा तो एक मर जाएगा, डर के मारे तो यहाँ आया है और ये अभय दिया तुमने। एक बीजी प्रश्न देना पड़े उस समय के लिए ऐसी मंगल भावना हुई उसका एक तीव्र परिणाम का कि तुम राजकुमार वेद की पर्याय में जन्म लिए और जन्म से ही अभय के तेरे परिणाम रहे और वह जीव आज राजकुमार से मुनिराज की पर्याय में बैठे। अब सोच किसका मान किसका सम्मान, आत्मा की सुरक्षा कर। अब स्वस्थ हो, जो स्वस्थ होगा पर भावों को छोड़कर जो स्वस्थ होता है निर्मल स्वभाव का लेता है वही आत्मा साथी का जो प्रसंग है वो भी ऐसे ही है। जब जाति स्मरण हो गया तो मालूम पड़ा हो को मैं मुनिराज की पर्याय में था और मैं मायाचारी से की पर्याय में था। फिर चक्रवर्ती का संबोधन मिला फिर जाकर के कुछ मन को दोष होगा। परवश में तो ये जीव क्या क्या आश्रय बंद करता है, क्या क्या भोगता है, क्या क्या दुख सुख उठाता है। स्वर्श में विवेक पूर्वक अगर कुछ साधना करे, विवेक पूर्वक अपने आप को संभाल ले, सहन कर ले, इस जीवन में हम खूब सहन कर सकते। परिचय चाहिए गाली सुन करके गाली सुनकर के भी मन में खेद नहीं आना चाहिए। गाली तो छोड़ो कोई समझा भी देवे ना तो उसकी घटिया खड़ी करते स्थिति। गाली भी सुन के खेद ना हो कि गाली दे दी है तो भी शांति से सुनो, अपनी तो नजर आ गई जिसने दी उसका पूछा। ऐसी जो अतिरिक्तता है ना, इसी अतिरिक्तता के कारण से अपनी नजरा बराबर नहीं हो रही है, नहीं धैर्य रख लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बस है हम, किसी ने हमें गाली दी है शब्द कहे हैं तो हम इतनी जल्दी परवश नहीं हो जाएंगे, उसके शब्दों पर इतनी जल्दी नहीं उलट पड़ेंगे, हम धैर्य रखेंगे। ये स्वस्थता तो जैसे एक महान साधक हैं वे आत्मवश जो है उनके ही आवश्यक कर्तव्य कहे गए, आवश्यक उनका ऐसा आवश्यक है कि वो करके उस सिद्ध दशा तक उपलब्ध हो जाए, ऐसा आवश्यक कार्य है। ग्रस्त जनों के तो अपने दुनियादारी की आवश्यकता है, पूरी आवश्यक मीटिंग में जाना है, आवश्यक काम से जाना है, आवश्यक शादी में जाना है, वो सब उनके लिए आवश्यक। लेकिन मोक्ष मार्ग में उन्हीं रहता तो आवश्यक क्या है, अपने वश में ही रह करके आत्म साधना करना सबसे बड़ा। ऐसे बहुत महिमा कही है कि जो स्वस्थ योगी है, जो सोना चांदी रुपया पैसा स्त्री के जंजाल से दूर है, वे ही हमारे लिए शरण है। वे सहज तेज पुंज मुनिराज जयवंत, और ऐसे मुनियों की सेवा करने वाले अनुसरण करने वाले श्रावक भी थोड़े थोड़े स्वस्थ होते हैं, छोटे छोटे नियम लेकर के स्वस्थ होते हैं। अभी तक परवश थे, जिसने जो कहा ठीक शामिल हो गए, जो खिलाया शामिल हो गए, जब आया तब खाली एक थोड़ी सी अवस्था आई है कि दिन में हम दो बार ही मुंह चुका था, तीन बार ही पानी पीते हैं, तो अवस्था थोड़ी आई है कि कोई दो चार बार में बोलता है तो हम पानी नहीं देते, गालियां सुन लेते, कुछ नहीं बोलते। थोड़ी थोड़ी सी अवस्था आई है, जितनी अवस्था आई है उतनी शांति उतनी निर्मलता आती है, जितनी परवस्था होती है निमित्ताहीन दृष्टि होती है उतने ज्यादा क्लेश होते हैं। ये परवश होकर के तो बहुत प्रपंच किए, बहुत दुखी हुआ, विवेक पूर्वक स्वस्थ होकर के
आत्म कल्याण करने का अवसर आया है। अपन सभी जाने पर अवस्था में तो देखो सब सीख जाती है। तमाम सुहागों ने खूब कोशिश की कि मृत्यु भोज बंद हो जाए, शादी विवाह में हजार हजार की जगह सिर्फ 5-25 लोग इकट्ठे हों, किसी प्रकार के कार्यक्रम में चंद्रमास प्रवेश आदि में बहुत ज्यादा भूल जरूर कार्यक्रम ना हो, खूब कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोरोना वायरस ने सारे समाज लाखों का काम अकेले ने कर दिया, ना भी कोई भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है और ना कोई बड़ी शादी के आयोजन हो रहे हैं, ना कोई मृत्यु भोज हो रहा है, ना बहुत ज्यादा मिलना जुलना हो रहा है, और ना कोई रेड लाइट एरिया में बहुत ज्यादा चहल कदमी हो रही है, और ना काफी चीजें सुधर रही है। इससे ये भी लोग समझ रहे हैं कि कोई बेईमान कितना भी कहता है मांसाहार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन लोग दुनिया समझ रहे हैं कि मांसाहारी इससे बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत मर रहे हैं। सबसे पहले वहीं से अटक का एक ही कम हो रहा है। विकसित देशों में भी शाकाहार की तरफ रुझान बढ़ रहा है, खाने पानी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, वादा नुकसान तो इसकी प्रशंसा तो करने जैसी बात नहीं है। प्रशंसा तो इस चीज की होना है कि कुछ सुधार होना है। आपके लोग दुखी हैं, यही प्रार्थना करें अपन कि सभी लोग विवेक पूर्वक खुद ही अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और इस तरह के जो आपत्ति विपत्तियां हैं वो समाज पर देश पर और दुनिया पर कमी ना हो, सब लोग स्वस्थ हों, विवेकवान हो, धार्मिक हो, परस्पर सहयोगी बने, इसी मंगल भावना जय बोलिए 24। अच्छा एक स्वाध्याय विस्तार में दिया है।